चलो गाइस, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का क्वेश्चन ईयर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेंगे, कुछ कम क्वेश्चन है बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सिर्फ न्यू सिलेबस में था, ओल्ड सिलेबस में इसका कोई वजूद नहीं था, तो सिर्फ न्यू सिलेबस में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो, आ जाइए। सेक्शन 3 से सेक्शन 10 जो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर सवाल है। पहला, स्टेट द पर्सन हु आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर FCRA। ठीक है, कौन से पर्सन है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते? फॉरेन हॉस्पिटलिटी नहीं पूछा है, सेक्शन 6 नहीं पूछा है, वो चार लोग नहीं पूछे हैं, सात लोग पूछे हैं कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कौन कौन है बताओ एक बार? इलेक्शन कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिस बेयरर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर राइटर एंड एडिटर, न्यूज चैनल राइटर एंड एडिटर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये सात लोग नहीं ले सकते, हालांकि ये सात लोग सात एक्सेप्शन के अंदर जरूर ले सकते हैं, जो एक्सेप्शन टेंटेटिवली इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 4 में दिए गए हैं। क्लियर है? तो देखो वही है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, करस्पॉन्डिंग कॉलमनास्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ न्यूज पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स ऑफिस बेयरर। ठीक है, उधर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एज मे स्पेसिफाइड, एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑडियो विजुअल न्यूज करंट अफेयर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, और करस्पॉन्डिंग कॉलमनास्ट आर्टिस्ट एक्सेट्रा विच आर रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर जी। ये हो गया आपका फर्स्ट सवाल कि किस किस को नहीं मिल सकता। फिर दूसरा सवाल है, वेदर फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव आर टू बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। रेमिटेंस मिला है रिलेटिव से तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा क्या? तो रिलेटिव से रेमिटेंस मिल सकता है एज अ गिफ्ट, लेकिन 1,00,000 रुपए तक ही मिल सकता है नए लिमिट के हिसाब से। तो नीचे देखते हैं आंसर, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल 6 Not permit to accept a foreign contribution or allowed foreign contribution from their relatives. However, Rule 6 of the foreign contribution, any person receiving a foreign contribution in excess of rupees 1,00,000 or equivalent thereto in a financial year, then receives shall inform a central government in form number FC1 within 30 days from the date of receipt of contribution. अब ये मैंने थोड़ा knowledge point of view लिखा है यहाँ पे, FC1 वगैरह ये normally कोई देता नहीं है, अगर आप लिख पाओ एग्जाम में तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी 1,00,000 का लिमिट आपके लिख के आना है। ठीक है, अगला सवाल, दो सवाल हो गए। मिस्टर इंडिया रिसीव्ड अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंटिंग टू 1.10 लाख फ्रॉम हिज रिलेटिव रिसाइडिंग अब्रॉड। ठीक है, 1.10 लाख बोला है रिसाइडिंग अब्रॉड। एग्जामिन वेदर मिस्टर इंडिया कैन एक्सेप्ट अ फॉरेन रेमिटेंस एज पर प्रोविजन ऑफ FCRA। मिस्टर इंडिया को बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है 1.10 लाख का। एग्जामाइन वेदर मिस्टर इंडिया कैन एक्सेप्ट फॉरेन रेमिटेंस एज पर प्रोविजन ऑफ FCRA। तो 1,00,000 तक का अलाउड है, 1,00,000 के ऊपर का अलाउड नहीं है। सेम प्रोविजन आएगा, देखो FC1 एंड मैक्सिमम 1,00,000 का लिमिट है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000 ये अलाउड नहीं है, इसके लिए उसको प्रायर परमिशन या CG अप्रूवल लेना पड़ सकता है। सो CG अप्रूवल और प्रायर परमिशन, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगले वाले सवाल के ऊपर जाते, छोटे छोटे सवाल है FCRA के। मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 19 का। आंसर द फॉलोइंग इन गिवन सिचुएशन, मिस्टर इंडिया रिसीव्ड अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू 1.10 लाख फ्रॉम हिज रिलेटिव रिसाइडिंग अब्रॉड। एग्जामिन वेदर ही कैन रिसीव द सेम। रिपीट सवाल है नियरली, तो इसको रिपीट करके ही लिखना। नेक्स्ट वाला नवंबर 19 का सवाल है। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन, मतलब फ्रेश सवाल एकदम, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एग्जामाइन एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग पर्सन इन इंडिया आर परमिटेड टू रिसीव द अमाउंट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मेसर्स KG एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म ऑप्टेंड अ लोन फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन लंडन फॉर इट्स बिजनेस पर्पज। हेलो, KG एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म ऑप्टेन अ लोन फ्रॉम क्लब रजिस्टर्ड इन लंडन फॉर इट्स बिजनेस पर्पज। लोन मिला है, लोन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है क्या? अच्छा सवाल है, स्टारमार्क करके रखना, रिविजन के वक्त काम में आएगा अपने। ठीक है, हेलो FM अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फ्रीक्वेंसी मॉडल रेडियो स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो न्यूज। ऑडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट करने के लिए आया है, भारी सवाल है। मिस्टर हैप्पी रिसीव्ड अ रिस्ट वॉच एज अ मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल अ सिटीजन ऑफ USA। द मार्केट वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज 25,000। ये तो अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के दोनों देखते हैं, क्या ऊपर के दोनों अलाउड है?
तो किस किस को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है ये बोला है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो स्किप द सेम, ठीक है आप स्किप कर सकते हो अगर आपको चाहे तो नीचे। अच्छा किस किस ने रिसीव किया है, ए पार्टनरशिप फर्म ऑप्टेंड अ लोन फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन लंडन रजिस्टर। अच्छा हेलो एफएम ये न्यूज चैनल राइटर एडिया एडिटर अगर हम बोले तो इसको अलाउड नहीं है, ऑडियो न्यूज देता है, ऑडियो न्यूज देता है तो इसको बाहर से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना अलाउड नहीं है, मतलब सेकंड को ऑडियो न्यूज देता है तो इसको लेना अलाउड नहीं है, तीसरे को लेना अलाउड है, बचा हुआ पहला। ठीक है तो जरा आंसर देखते हैं कि किसको अलाउड है किसको नहीं है, रेडी आ जाइए। सो हे भगवान लंबा चौड़ा आंसर दिया, आप इसको भी स्किप कर सकते हो, हाँ आंसर कुछ ज्यादा बड़ा दिया है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, बट यू कैन ऑल्सो स्किप दिस इन द एग्जाम। ठीक है ये चीज को आपने याद रखना। अब डिस्कस करते हैं केसेस, इज अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ऑफ दोज पर्सन्स हु आर कवर्ड इन सेक्शन 3, देयरफॉर प्रोविजंस कंटेंड इन सेक्शन 3 विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू मेसर्स केजी एंड कंपनी। So it is permitted for KG and company to obtain a loan from a club registered in London, loan from a club registered in London without attracting the provisions contained. मतलब ये बिंदास कर सकता है कोई दिक्कत नहीं। FM section 3 association of company engaged in a production or broadcasting of audio news, it has received a foreign contribution from foreign company that is foreign source, any receipt of contribution by Hello FM is prohibited under section number 3, therefore by accepting a funds from foreign company, Hello FM has contravened the provision of section 3. Mr. Happy has accepted a wristwatch as a gift from his uncle. The market value is 25,000. Happy is not one of those persons who are covered in section 3. Therefore, provisions contained in section 3 with respect to a prohibition of acceptance of FCRA are not applicable to Mr. Happy. Further, market value of the wristwatch given to Happy is less than gift within a limit of 1 lakh rupees. So Happy does not amounts to acceptance of foreign contribution. Accordingly, provision of the act and rules attracted are not attracted. मतलब rules वगैरह provision of act नहीं लगेंगे. Therefore, accepting a 25,000 watch is allowed. ठीक है? ये हो गया आपका 3/10. Section number 6, restriction on accepting foreign hospitality पढ़ते हैं. ठीक है? एक बड़ा सवाल दिया गया है. RTP November 18 का सवाल है, October 18 का सवाल है. ठीक है? Let's go. Hold. Mr. Peter, a member of legislature in India, visited Sydney, Australia to attend World Trade Conference as representative of government of India. Member of legislature bola hai. Bahar gaya. World Trade Conference mein gaya. Obtaining due permission of CG ka permission leke gaya. His expenditure of foreign travel was borne by Brett Lee Limited. Brett Lee, baller tha ye to. A foreign company, while attending a conference, Mr. Peter suddenly encountered chest pain and he was immediately admitted to nearby hospital for medical care and treatment. The medical expenses are of 2 lakh was borne by Brettley Limited. Mr. Peter seeks your advice on the procedures to be followed in the above situation. Simple si baat hai. Travel, boarding, lodging ke liye. 2 weeks prior approval चाहिए, form number है FC2, approval चाहिए मोहा, emergency medical aid है, अब chest pain एकदम हुआ ना, तो emergency medical aid, तो 1 month after भी आप approval ले सकते हो। अच्छा यहां invitation letter भी चाहिए, हाँ invitation letter चाहिए, ठीक है ये प्रोविजन तो हम कितने बार पढ़ चुके हैं, मतलब अब तो ये रट गई आधी रात को भी याद आ जाएगी आपको। ठीक है सो सेम आंसर दिया होगा वहां पे, एक बार जस्ट चेक कीजिए पढ़ के देखिए, हॉस्पिटलिटी का सवाल ठीक है। ठीक है स्टार मार्क कर दे रहे हैं इसको, अगर हॉस्पिटलिटी का सवाल हमको रिवाइज करना है दिस इज द गुड वन। ठीक है आंसर पढ़ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन हो गया सबका। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं, M18 का सवाल है। मिस्टर सतीश, अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम अमेरिकन लेबर पार्टी, ही वॉन्ट्स टू अवेल अ फॉरन हॉस्पिटलिटी, डिफाइन द टर्म फॉरन हॉस्पिटलिटी इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, डिसाइड वेदर ही कैन अवेल एंड डिस्कस ऑल्सो द एक्सेप्शन इफ एनी अंडर विच द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट मे बी रिलैक्स्ड। फॉरन हॉस्पिटलिटी, एनी सर्विस नॉट बींग ऑफ कैजुअल नेचर, ठीक है, ऑकेजनल नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट वाला होना चाहिए, ठीक है, नॉट बींग ऑफ कैजुअल नेचर, अभी दे दिया फ्रेंड समझ के, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेवल टू फॉरिन कंट्री एंड इन साइड, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेडिकल एड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। सो यहां पे हमने वो लिखा हुआ है फॉरन हॉस्पिटलिटी का मीनिंग, फिर उसके बाद में एक्सेप्शन भी हमने लिखा है कि कब आप ले सकते हो फॉरन हॉस्पिटलिटी, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमको प्रोसीजर भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए यहां पे आई गेस इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर हम मेंशन करेंगे 2 वीक्स एंड फॉर्म नंबर FC2 प्लस फॉर्म FC2 प्लस प्रायर CG अप्रूवल प्लस इनविटेशन लेटर, ये लिख के रखिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये सब चीजें यहां मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। यहां पे भी सेम बोला है, देखो, इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। चल, ये चीज होने के बाद में अगले सवाल पे जा रहा हूं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग पर्सन इन इंडिया आर परमिटेड टू रिसीव अमाउंट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ऑब्टेन अ लोन हो चुका है ना, रिपीट सवाल है। नवंबर 20 तो अभी तक हुआ भी नहीं, मई 20 भी नहीं हुआ, M02 चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अगला वाला, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल कहाँ चला गया? सेम आंसर वहां पे रिपीट किया है पूरा। अगला, प्रोहिबिशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 7। X is association having registration to transfer the foreign contribution received by it to another organization. Is the valid act of X? If yes, then what is the process to do so? Is there any restriction on transfer of the funds to other organization? Yes. Agar other organization certified as, certified to certified, any amount. Certified to non-certified, 10% at max, FC10, prior CG approval, maintain accounts in FC4. स्पेक्युलेट, हाँ, ये चीज को आपको मेंशन करना है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस यहां नहीं है, ये चीज को आपको मेंशन करना है। सो यहां मैं लिख के रखता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 के लिए, 9 के लिए क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हो साइड में, मेक नोट्स के कॉलम में, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड एनी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, सर्टिफाइड टू नॉन सर्टिफाइड, जो नॉन सर्टिफाइड है आप उसको देना चाहते हो। कन्हैया कुमार का हमने केस देखा था, JNU अगर कन्हैया कुमार को देना चाहती है और कन्हैया कुमार सर्टिफाइड नहीं है, JNU सर्टिफाइड है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम 10% ट्रांसफर करना अलाउड है पर ईयर, फॉर्म नंबर FC10 में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, CG अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा 10% के लिए, एंड FC4 में आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ये मॉड्यूल के अंदर लिखा है, इसको ही ऐसे याद रखना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, अगले अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट वाला, ठीक है। चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार आंसर पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। चाहिए तो क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक लोटा, और उसको हमको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन 9 के आंसर को।
चलो पढ़ लिया। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रिसीव्ड अ डोनेशन फ्रॉम द क्लब रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। द एसोसिएशन प्रपोजेस रिसीव्ड अ डोनेशन फ्रॉम क्लब रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, प्रपोजेस ट्रांसफर 10% ऑफ डोनेशन टू द होम फॉर एज्ड सोसाइटी अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड 15% टू वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द एक्ट। तो 10% तो आप अनरजिस्टर्ड को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15% तो आप 100% रजिस्टर्ड को दो, कोई दिक्कत नहीं। टू इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ डोनेशन इन चिट प्रॉमिसिंग हायर रिटर्न्स, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलाउड नहीं है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलाउड नहीं है। इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ FCRA डिसाइड द एसोसिएशन कैन कैरी आउट अबाउट द प्रपोजल एंड स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। अच्छा सवाल है, स्टार मांग। दोनों के आंसर मैंने देके रखे हैं। पहला 10% अलाउड है, 15% रजिस्टर्ड को, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कितना भी अलाउड है, रजिस्टर्ड टू नॉन रजिस्टर्ड सिर्फ 10% पर ही अलाउड है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम 50%। ठीक है, चाहिए तो आंसर एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन। नेक्स्ट, अगला सवाल 11 नंबर। कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म गेट्स रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन अंडर FCRA 2010? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को आई गेस मिलना तो चाहिए, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली एनजीओ को मिलता है, तो इनका कोई भी रिसर्च वगैरह का बिजनेस है। अभी अजम्पशन बेसिस पे होगा, अगर इनका रिसर्च वगैरह का बिजनेस है या कोई ड्रग वगैरह कर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी का, तो हो सकता है इनको मिले। वेदर इंडिविजुअल और HUF और फर्म कैन गिव रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली सेम आंसर। वेदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन परमिशन और प्रायर परमिशन ऑफ द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा सवाल है,
अच्छा सवाल है, मार्क करके रखना, ठीक है। तो ये लोग प्रोहिबिटेड नहीं है, यस प्राइवेट कंपनी कैन अप्लाई, यस और यस तीनों ले सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन ये प्रोहिबिटेड नहीं है उस लिस्ट के अंदर, जो हमने लिस्ट प्रोहिबिटेड देखी थी ना, फेसबुक पे कम्युनल पोस्ट डालने, उसके अंदर ये कवर नहीं होते, इसलिए अलाउड है। अगला August 18, लिस्ट रेस्ट्रिक्शंस मार्क्ड फॉर अ ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू FCRA। लिस्ट द रेस्ट्रिक्शंस मार्क, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, ये आ गया तुम्हारा FB के ऊपर, लिख के रखो साइड में मेमोरी टेक्निक, जितने बार मेमोरी टेक्निक लिखोगे काम में आएगी। FB पे कम्यूनल, अब जिन्होंने जो सिर्फ क्वेश्चन आयर का लेक्चर देख रहे होंगे उनको ये टेक्निक नहीं पता होगी, फिर भी आप लिख लो कम्युनल पोस्ट, सॉरी माय मिस्टेक, FB कम्युनिटी पे रीजनल पोस्ट, रिलीजनल पोस्ट डाल के वॉयलेंस क्रिएट करना कॉन्ट्रा वेंशन है, ठीक है। पर्सनल फंड से भी, पर्सनल फंड से भी करना प्रोहिबिटेड है, तो ये चीज को याद रखना। पहले FB फिक्टिशियस एंड बेनामी, ठीक है। पहला कम्युनल पोस्ट, आपने कम्युनल डिसहारमोनी बनाने की कोशिश की, रिलीजनल कन्वर्जेंस करने की कोशिश की, वॉयलेटिव मेथड्स यूज करने की कोशिश की, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन और डायरेक्शन ऑफ लॉ किया, पर्सनल यूज के लिए फंड्स को यूज किया, फंड्स को डाइवर्ज किया, ये मेमोरी टेक्निक है, फंड्स को डाइवर्ट किया कहीं और, या तो फिर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी के अंदर फंड्स को इन्वॉल्व किया, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर हमने देश का औथ लिया था कि फंड, अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है सिवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ, विविधता, लिंग्विस्टिक बैरियर, सोशल कल्चरल कास्ट क्रीड रिलीजन वाले बैरियर आप बनाना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। तीसरी चीज हमने देखी थी कि भाई फेयरनेस और डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमिक रिसर्च साइंटिफिक डेवलपमेंट और इकोनॉमी को डेवलप करने वाला होना चाहिए, किसी भी पर्सन के फिजिकल सेफ्टी को डैमेज करने वाला नहीं होना चाहिए और कोई भी कॉन्विक्शन करने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। पूरी लिस्ट यहां पर देख रखिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, फिर बढ़ेंगे आगे। गो फॉर इट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कीजिए। चलो डन हो गया सबका। अगला सवाल,
13. State under what circumstances government can cancel the certificate of registration granted to a person under FCRA? कौन से केसेस में कैंसलेशन हो सकता है? बताओ बताओ पांच चीजें. पहला, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या इंप्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया. दूसरा, वॉयलेशन ऑफ द लॉ और प्रोविजन ऑफ दिस लॉ और एनी अदर लॉ और द टर्म्स एंड कंडीशंस. तीसरा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. और चौथा, अगर आप दो साल के लिए डिफंक्ट हो तो. ठीक है, सो आ जाइए. सबसे पहला, इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉयलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट, पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है, वॉयलेटेड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज बीन डिफंक्ट फॉर कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. कंसेप्ट समझ में आया? दो साल के लिए अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा. नेक्स्ट, अदर क्वेश्चंस में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, कैन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बी रिसीव्ड इन एंड यूटिलाइज फ्रॉम मल्टीपल बैंक अकाउंट? एक ही अकाउंट में रिसीव होना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट से यूज कर सकते हो, लेकिन रिसीव एक अकाउंट में होना चाहिए. 48 आवर्स के अंदर इंटीमेशन देना चाहिए. सो देखो, सिंगल अकाउंट ओनली, रिसीव, यूटिलाइज वन और मोर अकाउंट्स. क्लियर है? तो ये अलाउड है. कैन सी विथ द हेल्प ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बी एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एम राम एन ऑफिस बियरर ऑफ एसोसिएशन? No. Every asset purchased with the foreign contribution should be acquired and possessed in the name of association, since as association has separate legal entity distinct member. अच्छा सवाल था, स्टार मार्क करके रखना. क्लियर है? अगला कहां का सवाल था? मॉड्यूल का. M19. After giving a reasonable opportunity of being heard, central government cancelled the certificate of registration of Toasty Limited, a company registered under FCRA, on the ground of public interest. 2.5 years have passed since then such a cancellation. Company has submitted its written declaration not to involve in such a activity again and request for restoration of registration. Advise Toastia Limited on its eligibility for re-registration and prior permission of the foreign contribution. Also state circumstances under which government can cancel a certificate of registration or grant prior permission. So, सबसे पहले, so require, पहले तो सर्टिफिकेट 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर्कमस्टेंसेस फॉर कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर कैंसल रजिस्ट्रेशन. ठीक है, कौन कौन से केस में? इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट या फॉल्स है, तो ये ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं ना थोड़ी देर पहले. ठीक है, उसके बाद में वॉयलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन, पब्लिक इंटरेस्ट, वॉयलेटेड दिस एक्ट, टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, डिफंक्ट. क्लियर है कंसेप्ट? सो इन चीजों में आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता. यहां पे पढ़ लीजिए एक बार, आंसर चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट. हेलो, चलो पढ़ लिया सबने. यहां पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के क्वेश्चंस होते हैं खत्म. जो क्वेश्चनेयर मॉड्यूल के लिए देख रहे हैं, क्वेश्चनेयर सेशंस के लिए, उनके लिए यहां खत्म होता है. बाकी रेगुलर बैच वाले 5 मिनट्स रुकना, कंटिन्यू करना. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट.